वेलकम बैक साथियों। लास्ट चैप्टर में लेक्चर 6 में मैंने आपको टेबल के कुछ क्रिएशन के ऑप्शंस बताए थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर देता हूं। तो इंसर्ट में मैंने आपको ये टेबल के सभी ऑप्शंस लास्ट लेक्चर 6 में बता दिए थे और मैंने कहा था कि मैं आगे आपको टेबल की सेटिंग्स के ऑप्शन बताऊंगा, टेबल के लेआउट के ऑप्शन बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप टेबल सेटिंग, टेबल लेआउट के ऑप्शन सीखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले साथियों, ये जो हमारा पेज है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसे मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूं। यहां से नीचे से ये मैंने प्लस करके जूम कर दिया और यहां पर हम सबसे पहले कोई टेबल बनाएंगे। तो टेबल यहां से, टेबल में सबसे इजी ऑप्शन ये बॉक्सेस के हेल्प से मैंने बताया था टेबल बनाना। तो यहां से आप एक छोटी सी टेबल बना लीजिए जिसमें 5-6 रो हो, 5-6 कॉलम्स हो। ये मैंने आपके सामने छोटी सी टेबल बना दी है जिसके अंदर 5 कॉलम हैं और आपके 6 रो हैं। ठीक है साथियों, अब इसमें कुछ डेटा फीड कर लेना। डेटा में चाहे आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिख लीजिए, फ्रेंड्स के नाम लिख लीजिए। तो यहाँ पर एक डेटा बनाएंगे क्योंकि डेटा एंट्री के ऑप्शन आप इसमें सीखने जा रहे हैं। तो डेटा एंट्री के ऑप्शन के लिए कुछ डेटा होना जरूरी है, यानी कुछ मैटर होना जरूरी है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, जैसे फर्स्ट कॉलम नेम, टैब के की से अगले बॉक्स में आ सकते हैं, क्यू के बराबर में टैब की होगी, ठीक है ना। तो टैब से नेक्स्ट बॉक्स में या माउस क्लिक से भी आ सकते हैं। क्लिक से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, टैब की से जल्दी आ जाते हैं। नेम, इसके बाद हमने लिखा फादर नेम, मदर नेम और एड्रेस, ये लिखा, ठीक है ना। यहाँ पर नेम में क्लिक करके कुछ नाम टाइप करेंगे, जैसे यहाँ लिखा अक्षय, नीचे क्लिक करके माउस से राहुल, फिर नीचे क्लिक करा यस, यहाँ पे क्लिक किया नेहा, यहाँ पे क्लिक करा अंशु। तो ये मैंने कुछ डेटा टाइप किया, ठीक है ना। अब हम यहाँ से टेबल के लेआउट के ऑप्शन खोलेंगे। डिजाइन के ऑप्शन लास्ट लेक्चर्स में बता दिए थे मैंने, लेक्चर 5 में बताए थे, उसे आप देख लेना जिसने ना किए हो। लेआउट के ऑप्शन हम करने जा रहे हैं, ये सभी ऑप्शन टेबल के ही हैं। बाहर खाली जगह पे क्लिक करेंगे, नीचे जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए लेआउट और डिजाइन दोनों ऑप्शन हट गए। टेबल पे क्लिक किया तो फिर से वापस आ गए। तो साथियों, लेआउट में फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या होता है, माउस से जो हम इस तरीके से डेटा सेलेक्ट करते हैं, ये सेलेक्ट ऑप्शन होता है। तो जैसे मान लो मुझे ये एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, एक बॉक्स को कहते हैं सेल, जैसे नेम वाला जो खाना है ये सेलेक्ट करना है, तो इस पे क्लिक रखिए, जहां सेलेक्शन करना है सेलेक्ट में जाइए और सेलेक्ट सेल का ऑप्शन होगा ये, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए वो सेल ही वो बॉक्स सेलेक्ट हो गया होगा। ऐसे ही मुझे पूरी लाइन, पूरी रो यहां तक सेलेक्ट करनी है, यानी ये सारे हेडिंग सेलेक्ट हो जाएं, तो इसी रो पे क्लिक रखिए, सेलेक्ट पे जाइए और यहां से ऑप्शन ले लीजिए सेलेक्ट रो। तो देखिए रो से वो रो पूरी सेलेक्ट हो गई है एंड तक। ऐसे ही मैं चाहता हूँ ये नेम वाला जो कॉलम है ये पूरा नीचे तक सेलेक्ट हो जाए। अभी तो साथियों इसमें कुल 5 नाम लिखे हुए हैं, मान लो 5 की जगह 500 भी हो सकते हैं, तो मुझे सारे एक साथ सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ क्लिक कीजिए, सेलेक्ट पे जाइए और सेलेक्ट कॉलम पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट में सेलेक्ट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। अब बात आती है हम सेलेक्ट करते क्यों हैं, क्या जरूरत है इस सेलेक्ट को करने की। दरअसल सेलेक्ट करके हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि इतने एरिए पर वर्क करे, इतने एरिए पे वो कोई भी हम ऑप्शन कर रहे हैं तो उतने एरिए पे अप्लाई हो। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं इन हेडिंगों का साइज बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं पहले इन रो को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट में सेलेक्ट रो से रो सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब होम के ऑप्शन में साइज बढ़ाते हैं, होम में जाएंगे और यहाँ से ये फॉन्ट साइज इस ऑप्शन से आप ऐसे बढ़ाइए, देखिए 12-14 ये यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये तो कितने मैटर का साइज बढ़ रहा है, जो सेलेक्ट है, जो हेडिंग सेलेक्ट है केवल उन्हीं का साइज बढ़ रहा है। और ऐसे यहाँ से हम कम करेंगे साइज, श्रिंक करेंगे इसको, तो देखिए जो सेलेक्ट है उनका साइज कम होता जा रहा है। तो आगे समझ में साथियों सेलेक्ट का क्या यूज होता है, जितने एरिया पे वर्क करना होता है उतने एरिया सेलेक्ट किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, फिर से वापस लेआउट ऑप्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है व्यू ग्रिड लाइन। अभी साथियों अगर आप व्यू ग्रिड लाइन पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक करा, कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं, फिर क्लिक करा नहीं। तो दरअसल व्यू ग्रिड लाइन डिजाइन टेबल पर वर्क करता है। जब टेबल में कोई डिजाइन डाली हुई हो, कलर्ड मटेरियल हो, तो उसके लिए आप इस मैटर में कुछ डिजाइन डाल लें। तो डिजाइन डालना मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, बराबर में डिजाइन का ऑप्शन है लेआउट के बराबर में, इसमें जाएंगे और ये देखिए डिजाइन से ये
इनमें से कोई भी एक डिजाइन ले लीजिए, मैंने ये रेड वाला डिजाइन मान के चलो सेलेक्ट किया, इसको चूज किया। अब देखिए इसमें जैसे ही मैंने ये डिजाइन लिया तो टेबल में जो कॉलम आ रहे थे सीधी लाइन है, देखिए पहले ऐसा था, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पहले ऐसी टेबल थी कॉलम्स आ रहे हैं, और जैसे ही मैंने डिजाइन टेबल ली तो वो कॉलम्स हट गए, नहीं दिखाई दे रहे। तो ये ऑप्शन ग्रिड लाइन से आ सकते हैं। कहाँ था ग्रिड लाइन? लेआउट में। इस लेआउट में फिर से जाइए, ये जो मैं बता रहा था व्यू ग्रिड लाइन, अब काम करेगा ये ऑप्शन। तो व्यू ग्रिड लाइन पर टिक कीजिए तो ये देखिए डॉटेड लाइन आ रही है, दिख रही है आपको, ये नीली नीली सी लाइनें दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, यही ग्रिड लाइन होती है। तो व्यू ग्रिड लाइन पर टिक करने से हट गई, और इसी पे वापस टिक किया तो ये फिर से वापस आ गई। आगे समझ में व्यू ग्रिड लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज है टेबल को राइट लेफ्ट सेंटर करने के लिए, पेज का अलाइनमेंट, पेज पे किस जगह टेबल को रखना चाहते हो उसके लिए आपको ये टेबल थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। तो इसको छोटे से कैसे करेंगे, नीचे देखिए कॉर्नर पे एक पॉइंट आ रहा होगा बनकर, ये जब आता है जब टेबल पे क्लिक हो आपका, बीच में कहीं भी क्लिक कर लीजिए और यहाँ से ये पॉइंट है इस पर कर्सर ले जाइए, जब ये ऐसे तिरछे डबल एरो बन जाएं तो माउस का लेफ्ट क्लिक दबाकर ऐसे करके टेबल को छोटा कर दीजिए, जहां पर ले जाके छोड़ दोगे उतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए ये जो टेबल है पेज के लेफ्ट साइड से इधर से मिलकर आ रही है, मैं चाहता हूँ ये पेज के बीचों बीच दिखाई दे, सेंटर में दिखाई दे। तो प्रॉपर्टीज में जाना, यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है ये सेंटर, तो सेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो टेबल पेज के सेंटर में हो जाएगी। ऐसे ही इधर से राइट से मिला के लेनी हो प्रॉपर्टीज पे जाइए, यहाँ से राइट पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए तो टेबल पेज के राइट में आ जाएगी। फिर से लेफ्ट में लेनी हो प्रॉपर्टीज में जाइए, लेफ्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, टेबल लेफ्ट में आ जाएगी, ठीक है साथियों। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका डिलीट। डिलीट करने के लिए इसके थ्रू आप कुछ भी डिलीट कर सकते हैं टेबल में। कैसे, मान के चलिए मुझे ये वाला एक बॉक्स डिलीट करना है, ये खाना ये सेल डिलीट करनी है, तो इस पर क्लिक कीजिए, डिलीट में जाइए और यहाँ से क्या लिखा हुआ है देखिए डिलीट सेल, तो डिलीट सेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे बस ओके कर देना, तो ओके करते ही वो बॉक्स डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही मुझे पूरा कॉलम ही डिलीट करना हो कि नीचे तक सारे ये सारे कॉलम डिलीट हो जाएं, तो इसमें क्लिक कीजिए, पहले टेबल पर जाइए और यहाँ से डिलीट कॉलम पर क्लिक कर दीजिए, यानी जिस नाम पर लिखे हुए पर आप क्लिक करते हो वो चीज डिलीट होती है। ऐसे ही मुझे ये रो डिलीट करनी है, जो हेडिंग्स आ रहे हैं ये सारे हेडिंग डिलीट करने हैं, तो किसी भी हेडिंग पे यानी रो पे उस पर क्लिक कर लीजिए, डिलीट पर जाइए और यहाँ से डिलीट रो पर क्लिक कर दीजिए, तो वो रो डिलीट हो जाएगी। वापस लाना हो तो कंट्रोल जेड की थी दबा दीजिए, कीबोर्ड में मैंने कंट्रोल जेड बताया था बैक आने के लिए, कंट्रोल के साथ ये जेड दबा दिया, ठीक है ना, वापस आ गए। पूरी टेबल ही डिलीट करनी हो तो डिलीट में डिलीट टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगी। अच्छा साथियों, इसके बाद फिर से लेआउट में आ जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट अबव। अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर, किसी नाम के ऊपर दूसरा नाम लिखने के लिए। मान के चलिए जो अक्षय है, मुझे अक्षय से पहले यस का नाम लिखना, यस का तो सॉरी है कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए अक्षय से ऊपर दीपक का नाम लिखना था और लिखना भूल गए, तो अब कैसे लिखें, तो यहाँ क्लिक कीजिए और एक नई रो इंक्रीज कर लीजिए, तो कैसे होगी वो, यहाँ से इंसर्ट अबव, देखिए तीर भी बन रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है यानी इसके ऊपर लाइन आएगी, तो इंसर्ट अबव पे क्लिक कर दिया, आगे लाइन देखिए यानी एक रो नई आ गई, तो यहाँ पे क्लिक करके हम कोई भी नया नाम ऐसे टाइप कर देंगे। ऐसे ही मान के चलिए मुझे यस से ऊपर यहाँ से सूरज का नाम लिखना है, तो यहाँ क्लिक कीजिए, इंसर्ट अबव पे जाइए, तो नया बॉक्स आ जाएगा और यहाँ से हम नाम टाइप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट बिलो। बिलो होता है नीचे की तरफ लेने के लिए, बिलो माने नीचे। मान के चलिए मुझे अंशु से नीचे स्वाति का नाम लिखना था, लिखना भूल गए, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे इंसर्ट बिलो, तो बिलो करते ही नीचे एक लाइन आ गई है और आप यहाँ पर कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं। एक बार और देखिए, नेहा के नीचे मुझे निशा का नाम लिखना है, क्लिक करेंगे, यहाँ से इंसर्ट बिलो पर जाएंगे और यहाँ क्लिक करके नाम टाइप कर देंगे। आगे समझ में, साथियों ब्लैंक रो भी बना सकते हो, ब्लैंक रो पे क्लिक करा, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट बिलो, जितने क्लिक करोगे उतनी रो बन जाएंगी, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है इंसर्ट लेफ्ट। लेफ्ट होता है उल्टे हाथ की तरफ कॉलम लेना। ये फादर नेम से पहले मुझे यहाँ पर मान के चलिए या नेम से पहले सीरियल नंबर का कॉलम लेना है, लेना भूल गए, तो यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ कर दीजिए इंसर्ट लेफ्ट। तो देखिए साथियों लेफ्ट में एक नया कॉलम आ गया है, आप यहाँ पे कोई भी सीरियल नंबर टाइप कर सकते हैं,
यहाँ से 1 2, नीचे एरो की से आप नीचे आ सकते हैं या माउस से क्लिक करके भी 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने लिख दिया, ठीक है ना। ऐसे ही होता है इंसर्ट राइट। मान के चलिए मुझे यहाँ से नेम के बराबर में डेट ऑफ बर्थ का कॉलम चाहिए, यानी नेम के राइट साइड में, राइट में इसके बराबर में, तो इंसर्ट राइट कर दीजिए। तो देखिए नेम के राइट में कॉलम आ गया, यहाँ पर लिख दीजिए आप डेट ऑफ बर्थ। तो ये हम इस तरीके से बीच बीच में भी टेबल में एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल। मर्ज का मतलब होता है लाइनें मिलाना, मर्ज यानी मिक्स करके एक बनाना बहुत सारी चीजों को। मान के चलिए मुझे यहाँ नीचे कोई नोटिस टाइप करना है, तो ये बीच में जो कॉलम है, लाइनें, ये पार्टीशन आ रहे हैं, इनसे प्रॉब्लम होगी लिखने में, आप लिख नहीं पाओगे इस तरीके से। अगर कुछ टाइप करोगे तो ये टेबल बिगड़ जाएगी। कंट्रोल जेड दबा दीजिए, अभी सही हो जाएगी, कंट्रोल जेड। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइनें हैं ये पहले मतलब एक ही हो जाए, मिलके पूरा एक बॉक्स बन जाए। तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए और ये देखिए इसमें चित्र में भी छपा हुआ है, पिक्चर में, ये खाली रो इस तरीके से खाली हो जाएगी, यानी कि मिलकर एक ही हो जाएगी। मर्ज मीन्स मिक्स, मिलकर एक हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन 25 June 2021, इस तरीके से कुछ भी टाइप कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट होता है एक सेल के कई भाग करना, टुकड़े करना, जैसे मर्ज में मिलाकर एक हुई थी और ये इसका उल्टा है, इसमें पार्टीशन ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मुझे डेट ऑफ बर्थ के तीन भाग करने हैं, तो इसको पहले सेलेक्ट कर लो जितने हिस्से के करने हैं, ऐसे माउस का क्लिक दबा के मैंने नीचे तक इतना सेलेक्ट किया। अब इसके तीन भाग करने हैं जिससे एक में डेट, एक में मंथ, एक में ईयर आ जाए। तो बस यहाँ से स्प्लिट सेल में जाना, ये पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स चाहिए इसमें, तो तीन चाहिए साथियों, में यहाँ लिख देंगे 3। नंबर ऑफ रो ऑलरेडी जितने हम सेलेक्ट करते हैं वो अपने आप आ जाती हैं, 11 रो आपने सेलेक्ट की हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे नहीं छेड़ना आपको, बस कॉलम लिखा और ओके कर दीजिए। तो देखिए आपके इसमें तीन खाने बन गए होंगे। इस टेबल को मैं देखिए प्लेन करके दिखा देता हूँ तो और ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो ये मैंने डिजाइन से कलर बनाए थे, डिजाइन में गए थे, यहाँ से लिए थे, इसी में ये वाला ले लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट, तो और ज्यादा देखिए क्लियर दिखाई रहा होगा, तीन पार्टीशन से बन चुके हैं। वापस लेआउट में आ जाइए, ये आगे लेआउट में, स्प्लिट सेल तक क्लियर हो गया दोस्तों आपको, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से नेक्स्ट है स्प्लिट टेबल। टेबल को दो भागों में तोड़ना, मान लो मुझे यहाँ 6 नंबर से टेबल अलग करनी है, 5 तक का अलग डेटा हो जाए, 6 से आगे का अलग, तो यहाँ क्लिक करके आप बस स्प्लिट टेबल कर दीजिए, तो टेबल दो भागों में टूट जाएगी, ठीक है। एक बार और देखिए, 9 से टेबल अलग करनी है, यहाँ क्लिक कीजिए, स्प्लिट टेबल कर दीजिए, ये टेबल टूट गई, ठीक है साथियों। वापस आ जाते हैं लेआउट में। नेक्स्ट ऑप्शन ये जो ऑटो फिट से लेकर ये ऑप्शन है, ये प्लेन टेबल पे थोड़ा वर्क करेंगे हम, डाटा फिर से प्लेन कर लेते हैं। ये जो टेबल तोड़ के ब्रेक करके मैंने स्प्लिट वगैरह की है, प्लेन कर लीजिए, कुछ नहीं करना आपको, कंट्रोल जेड दबाना है। कंट्रोल जेड धीरे धीरे दबाते रहिए तो आप बैक आते रहेंगे। कंट्रोल की किए हाथ से दबा लो, फिर जेड दबाओ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, इस तरीके से। ये मैं बिल्कुल प्लेन टेबल कर देता हूँ, कंट्रोल जेड दबा के ये कर दी देखिए साथियों मैंने, ठीक है ना। अब करते हैं आगे के ऑप्शन, ऑटो फिट। ऑटो फिट होता है डेटा को कम जगह में फिट करना, ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो एक्स्ट्रा एरिया है उसे हटा के अरेंज कर दे। तो इसके लिए मैं देखिए ऐसे करते हैं, ये इन टेबल के में जो हमने रो कॉलम बनाए हैं इनका साइज भी हम घटा बढ़ा सकते हैं, कैसे, ये ऐसे लाइन पर कर्सर ले गए, क्लिक दबाया और ऐसे आगे खींचा, तो देखिए ये कॉलम बड़ा हो गया। ऐसे एड्रेस का बड़ा करना है, लास्ट में गए क्लिक दबाया ये इतना बड़ा कर दिया, ऐसे यहाँ से गए ये मैंने इसका साइज बढ़ा दिया। तो इस तरीके से मान लीजिए हमने टेबल बना रखी है, इसमें देखिए यहाँ इतना स्पेस आ रहा है, इसमें इतना स्पेस आ रहा है, तो ये कम जगह में फिट हो जाए टेबल। तो उसके लिए आप यहाँ कॉर्नर पे जो पॉइंट बन रहा है, देखिए ये निशान आ रहा है ये प्लस की तरह, इस पर क्लिक कीजिए तो इससे पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। ऑटो फिट में जाइए और यहाँ से कर दीजिए ऑटो फिट कंटेंट। कंटेंट का मतलब डेटा, तो डेटा के हिसाब से देखो फिट हो गई, फादर को इतनी जगह चाहिए, इतना बड़ा था नाम, एड्रेस को इतना चाहिए, तो उसी हिसाब से फिट हो गई। अब मैं चाहता हूँ ये टेबल पूरे पेज पे फिट हो जाए, यहाँ तक ये एक्स्ट्रा जो एरिया है ये भी यूज में हो जाए, तो टेबल को सेलेक्ट रखेंगे, ऑटो फिट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे ऑटो फिट विंडो। तो ऑटो फिट विंडो से टेबल पूरे पेज में फिट हो जाएगी। एक बार और देखिए, सेलेक्ट किया ऑटो फिट, ऑटो फिट कंटेंट किया तो डेटा कम जगह में आ गया, ऑटो फिट विंडो किया तो वो पूरे पेज में आ गया, ठीक है साथियों, ऑटो फिट भी क्लियर हो गया। इसके बाद आती है हाइट। हाइट यानी ऊंचाई या लंबाई,
तो लंबाई बढ़ाने के लिए जो कॉलम है हमारे, रो हैं, इनकी हाइट बढ़ानी है। तो यहाँ से माउस से सेलेक्ट कर लीजिए डेटा और ये ऊपर वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 0.5 होगा, 0.6 ये लिखा रहा है यहाँ पर, 0.7। तो इस तरीके से हाइट बढ़ गई है देखिए आपकी टेबल की। कम करना है तो इसको पॉइंट को नीचे से करना है, ये देखिए ऊपर नीचे पॉइंट है, नीचे से कम होगी, 0.7 है, 0.3, 0.5, 0.4, 0.3, इस तरीके से कम होगी। इसी तरीके से विथ है, विथ होती है चौड़ाई, इन सभी कॉलमों की चौड़ाई एक सी करनी है, बराबर इक्वल करनी है आपको। तो मान के चलिए मैं एक एक इंच की करना चाहता हूँ इनकी विथ, तो यहाँ विथ पे क्लिक कीजिए, यहाँ लिखिए 1 और इसके बाद एंड। तो ये देखिए सभी कॉलमों की जो चौड़ाई है वो एक सी एक एक इंच हो गई है। ऐसे ही फिर से सेलेक्ट करा इस पॉइंट से प्लस से, और यहाँ से इसको पॉइंट से ऊपर से बढ़ा भी सकते हैं, 1, ठीक है, यहाँ पहले लिख लीजिए कुछ, यहाँ 1 लिखा, एंटर। ऐसे यहाँ से ज्यादा लिखना है 1.5 लिख सकते हैं, एंटर। तो ये ऐसे बढ़ जाएगी, और यहाँ से भी ऐसे बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ गई, इसी तरीके से घट जाएगी, ठीक है साथियों। तो ये हाइट विथ भी आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट, ये जो ऑप्शंस हैं आपके, ये पोजीशन होती है, बॉक्स में अपना जो नाम लिखा हुआ है वो किस पोजीशन में रखना है। टेबल को पूरे पेज पे फिट कर दो ऑटो फिट विंडो करके, ओके। तो साथियों अभी हम जो डेटा देख रहे हैं आप इस पर ध्यान दीजिए, नेम पर ये लिख रहा है नेम, तो ये इस बॉक्स के लेफ्ट साइड से मिलकर आ रहा है, ऐसे ही एड्रेस भी लेफ्ट साइड से इधर से मिलकर आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये बीच में रहे यहाँ, तो ये ऊपर जो है सेंटर, इस पर क्लिक कर दो, तो देखिए सेंटर में आ गई सारी चीज, जो जो सेलेक्ट है वो सेंटर में आ गए हैं। ऐसे ही नीचे से मिलकर आए, ऊपर से टच होकर आ रही है ना, देखो ये एड्रेस को देखो, ऊपर से टच हो रहा है, नेम ऊपर से टच हो रहा है, तो ऊपर से ना होकर नीचे से टच होकर आए, तो ये नीचे वाले से क्लिक कर दो, बीच में लेना है ये कर। तो ये 9 पोजीशन दे रखी है, आप किस दिशा में लिखे हुए डाटा को ले जाना चाहते हैं तो वहां पर इनसे ले जा सकते हैं। साथियों इसके लिए टेबल की थोड़ी कॉलमों की चौड़ाई बढ़ा लेना, ऐसा ना हो कि आपने इतना कम कर रखा है तो उसे जगह ही नहीं मिलेगी राइट लेफ्ट होने की, तो नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेना, और ये लाइनों पे ऐसे पकड़ के ही बढ़ाते हैं, ऐसे ही रोके हाइट वगैरह, जैसे यहाँ से ये बढ़ा दी मैंने, लाइन पे से पकड़ना है इसको, ठीक है ना। चलिए टेक्स्ट डायरेक्शन होता है डायरेक्शन बदलना, तिरछे करना, जैसे मुझे ये टेक्स्ट को तिरछे करना है, यानी ये तिरछे हो जाएं तो यहाँ से राइट साइड घूम जाएंगे, इसी तरीके से इससे लेफ्ट से घूम जाएंगे, दोबारा क्लिक कर दोगे और यहीं से सीधे हो जाएंगे। सेल मार्जिन, सेल मार्जिन गैप होता है, मान लो मुझे ऊपर से कुछ गैप देना है कि जो हमारा डाटा है थोड़ा सा नीचे को आए, तो सेल मार्जिन में जाना, ये चारों दिशाएं दिखा रखी है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट किस तरफ से गैप देना है, तो मान लो मुझे टॉप से देना है तो यहाँ से बढ़ा देंगे 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे करके मैंने बढ़ाया, ठीक है ना, ये 20 के समथिंग कर दिया। अब देखिए ऊपर से यहाँ ध्यान रखना आप, ये फादर के ऊपर एक जगह जो है, जैसे ही मैं ओके करूंगा स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये देखिए गैप बढ़ गया। कम करना है सेल मार्जिन पे जाइए, यहाँ से टॉप में सेलेक्ट करके इसे जीरो कर दीजिए और ओके, तो बिल्कुल मिलकर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चारों दिशाओं में किधर से भी गैप दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट, सॉर्ट होता है डेटा को अल्फाबेटिक लगाने के लिए। देखिए अभी हमने जो डेटा टाइप किया है, कहीं पर डी नाम से नाम आ गया, कहीं ए से आ गया, कहीं आर से, कहीं एस से, यानी जो स्टार्ट हो रहे हैं नाम वो डी ए इस तरीके से हो रहे हैं। जबकि आपने देखा होगा कहीं भी कोई डेटा होता है तो वो अल्फाबेटिक सीरीज में होता है। अल्फाबेटिक मतलब पहले ए नाम के सारे होंगे, फिर बी नाम के, फिर सी के, इस तरीके से डे से लेके जेड तक की सीरीज में होते हैं। तो मुझे ये डाटा ऐसा ही करना है, अभी मैंने उल्टा सीधा टाइप कर दिया था कि ये सब अल्फाबेटिक हो जाए, पहले ए नाम के हों फिर डी के, तो सारी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे पहले। यहां से इस पॉइंट पे क्लिक किया, अब यहां से आप जाएंगे सॉर्ट पे, और सॉर्ट पे कुछ नहीं करना आपको, ये सेटिंग बिल्कुल भी नहीं छेड़नी, बस ओके करना है। यहां से ये बस ही देख लीजिए असेंडिंग और डिसेंडिंग लिखा है, असेंडिंग में बढ़ते हुए आएंगे ए बी सी डी, और डिसेंडिंग कर दोगे तो उल्टे आ जाएंगे, पहले जेड के फिर एक्स के डब्ल्यू के, इस तरीके से। तो यहां से मैंने असेंडिंग ही रहने देते हैं, ओके कर देंगे। तो देखिए पहले ए नाम के स्टूडेंट आ गए, ए अक्षय अंशु, फिर डी के आ गए ए बी सी डी में, फिर एन आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इस तरीके से सीरीज में लग गए। एक बार और देखिए कंट्रोल जेड दबाया मैंने, अभी पहले डी से आ रहा है, फिर ए से आ रहा है, कहीं ए से वाई का बीच में अल्फाबेटिक लगाना है, यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक करके पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर सॉर्ट पर जाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है साथियों। ये होगा, ये रिपीट हेडर रो जो ऑप्शन है इसका अभी फिलहाल कोई यूज नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, इसे खाली छोड़ देना, बस हल्की बहुत लाइनें सी आ जाती हैं और कुछ नहीं होगा, ये टेबल डिजाइन में मैंने बता दिया था आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका लेआउट में कन्वर्ट टू टेक्स्ट, डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, यानी ये लाइनें जो हैं टेबल है मैं हटाना चाहता हूँ कि बस मेरा मैटर मैटर रह जाए, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो रह जाए,
और ये लाइनें खत्म हो जाए, टेबल में नहीं चाहिए डेटा, तो आप इस टेबल को सेलेक्ट करना है कॉर्नर से, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे जाना और बस ओके कर देना। तो देखिए प्लेन हो गया डाटा, टेबल खत्म हो गई और यहाँ से डाटा प्लेन हो गया। कंट्रोल जेड से पहले जैसा कर सकते हैं, ये कंट्रोल जेड दबाया तो फिर से टेबल हमारी बनकर आ गई। लास्ट ऑप्शन है साथियों इसमें फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या होता है, कोई टोटल वगैरह करना हो। वैसे हम जो फॉर्मूले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर में सीखेंगे, फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर, यहाँ ज्यादा फॉर्मूलों की हमें जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ लिखा 100, नीचे वाले बॉक्स में लिखा 200, इसके नीचे 300, इसके नीचे फिर 100। अब मुझे इन सब का सम करना है, टोटल करना है नीचे यहाँ। तो ये देखिए 100 और ये 200 मिलकर 300 हो गए, 300 600 और एक 700, तो यहाँ 700 आ जाएगा। टोटल कैसे आएगा, बस क्लिक करो फॉर्मूला पर जाओ और यहाँ से देखो लिखा गया सम अबव, ऊपर का सम अपने आप ले लेगा वो कंप्यूटर, ओके कर दो। तो देखो ये आ गया। ऐसे ही इधर 100 है, यहाँ पे लिखा मैंने 500। अब मुझे ये 500 और 100 का यहाँ पर सम लेना है, तो यहाँ क्लिक कर लो जहाँ सम लेना है, फॉर्मूला पर जाओ, अपने आप लिखाएगा सम लेफ्ट, बस ओके कर दीजिए। ये हो गया देखिए 600, 500 और 100 जोड़कर 600। ठीक है साथियों, तो ये थे टेबल लेआउट के ऑप्शंस जिसमें हमने टेबल की एडिटिंग करना सीखी। तो इस तरीके से हम डिजाइन के ऑप्शन भी पहले सीख चुके हैं, लेआउट के भी सीख चुके हैं, और अब आप ये कह सकते हैं कि आप टेबल के ऑप्शन में परफेक्ट हो चुके हैं। बाकी जिस पे समझ में नहीं आया है वीडियो को रिपीट करके देखिए, कोई अगर प्रॉब्लम है मेरे से आप पूछिए, आप ग्रुप में लिख कर भेजिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप